हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया मसूद एंड आई वेलकम यू टू द अनअपोलोजेटिक शो। कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर आज हमारे साथ कुछ ऐसे स्पेशल गेस्ट हैं जिन्होंने अपनी औरत अपनी वाइफ को कामयाब कराया और वो हर मोमेंट पर इन्हीं को ही क्रेडिट देती हैं। नन अदर देन हमारे साथ है मानी। मानी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप वीजे हैं, आपने ट्रेंड लॉन्च किया रोड शोज़ का, कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं। लाइक अगर आपको क्रेडिट दिया जाए कि हर काम में आप हरफन मौला हैं तो ये गलत नहीं होगा। हाउ डिड यू स्टार्ट और उस एज से इस एज का क्या फ़र्क देखते हैं? कुछ नहीं, मैं 98 में मैंने लिखना शुरू किया था। जब मैं बीकॉम में था, मुझे लग रहा था कि मैं बीकॉम नहीं क्लियर कर पाऊँगा क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत बुरा था। तो मैंने कहा मैं कैसे अपने आप को बचाऊँ, तो इस चीज़ का शौक भी था और कुछ फैमिली भी मेरी इस तरह की काम में थी। 2000 में जब नए चैनल स्टार्ट हुए, पहला चैनल था इंडस विजन, तब मुझे मौका मिला कुछ नया करने का। और वही जो चीज़ें, जो क्लीशे चीज़ें थीं पीटीवी की जो होती थी, उसके हम खिलाफ थे। टिपिकल तरीके से वो जो एक अंकल आके बोलते थे कि बेटा चाय पियो या कॉफ़ी, तो ऐसा कहीं नहीं होता था। हाँ, कि वो खाने की टेबल पे एक जूस पड़ा होता था, अमरीका में तो पड़ा होता है वो ओरिजिनल जूस होता है, लेकिन वैसे वो जो जूस था वो समझ नहीं आ रहा था मुझे उस टाइम पे। फिर वो जो चार ब्रेड पड़े होते थे यूं करके, और इतना ईजी हो के तो कोई नाश्ता सुबह का कर ही नहीं रहा होता, सब जन कामों में जा रहे होते हैं, तो वो चीज़ें मुझे अनईजी करती थी। तो उसी बगावत में मैंने पहला रोड शो शुरू किया और साइमल्टेनियसली मेरा पहला एक सिटकॉम था सबसेट है, जो कि हमने बागी होगी किया था और हमने सोचा था हम कराची हाइट्स को ऊपर लेके आएंगे, और वो फॉर्चुनेट भी थे कि हुआ भी। तो वो दोनों चीज़ें एक साथ क्लिक कर गई, मेरा रोड शो जो पहला रोड शो था। मतलब अभी तक तो यही है जो आता है सामने विकिपीडिया पे, वो पहला पाकिस्तानी रोड शो था। और मेरा सबसेट जो ड्रामा था वो पहला सिटकॉम जो था जो मशहूर हुआ था प्राइवेट चैनल पे। ऑलराइट, जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि जो आपका प्रोजेक्ट था वो प्रो कराची के लिए था, और इसी तरह से पैरेलल पंजाब से भी ऐसे एक शो बन रहा था जो कि काफ़ी हिट हुआ, जट एंड बॉन्ड के नाम से। सो वो क्या कंपैरिजन था, किसने पहले स्टार्ट किया, और जो फीडबैक आता था वो पॉजिटिव था या फिर वाकई एक कंपैरिजन की जो आग जिसे कह सकते हैं वो लगाए रखी? वो अच्छी बात है, वो वैसी ही आग लगनी चाहिए, जब वो लगती है तो फिर काम कंपटीशन होता है। डेफिनेटली वहाँ पे वो जैन का प्रोजेक्ट था और वो एक लाहौर स्टाइल, वो थोड़ा फिल्मी उन्होंने चीज़ क्रिएट की थी, जो उनका स्टाइल भी है लाहौर में जब चीज़ें बनती हैं। सवाई कॉलेज जीन्स के, कॉलेज जीन्स एक वाहिद ड्रामा था जो कि एक नॉर्मल ड्रामा कह सकते हैं, जिसको क्या नाम है, जो हम सबसेटे को भी क्लेम करते हैं कि हम तो हमने स्टार्ट किया था कराची में, क्योंकि मैं गुलशन में रहता था और जो साथ में मेरा जो पार्टनर था असफर वो नॉर्थ नाजमाबाद का था, और कराची इन दो इलाकों से ही डिफाइन होता है। कराची जो है कि बेस ये दो एरियाज हैं, गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजमाबाद। तो तब भी बातें होती थी जैसे अब लोग भी, एक वॉर चल जाती है डिजिटल पर हो या कुछ भी, लेकिन तब डिजिटल का इतना बूम नहीं था, लेकिन क्या तब भी तब डिजिटल का इतना बूम नहीं था, जब तो हमारी बचत भी हो जाती बहुत सी चीज़ों में। यानी आपने अपना लोहा मनवाया कैसे, क्योंकि उस टाइम पर बहुत डिफिकल्ट था। मैं मानती हूँ कि टैलेंट की ज़रूरत है टीवी पर आने के लिए, बट उस टाइम पर टीवी पर आ जाना, छा जाना, अपना नाम बना लेना बहुत मुश्किल था। और अब के ज़माने में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी स्क्रीन पर बहुत कम लोग होते हैं जो अपना नाम बना पाते हैं। सो ये कसूर किसका है? कसूर तो नहीं है, लेकिन उस ज़माने में कॉन्टेंट पर हम बहुत काम करते थे। मेरा ये था कि मैं जितने भी एंकर्स थे या इवन एक्टर्स भी थे उस ज़माने में, वो कॉन्टेंट लेके आते थे, अपना कॉन्टेंट लेके आते थे। जब बहुत सारा कॉन्टेंट आता है तो तीन चार चीज़ें डिफरेंट नज़र आती हैं। तो मेरा ये था कि मानीज़म जो मेरा था, जो हमेशा कहता, मैं प्रोग्राम का नाम भी रखा बाद में, वो यही था कि यार मैं अपने तरीके से चलूँगा। लेकिन मानी, आपको हमेशा लोग मानी ही क्यों कहते हैं, लाइक व्हाई पीपल डोंट टेक द कंप्लीट नेम ऑफ योर सर नेम के साथ नहीं जाते? मैं चाहता भी ये था कि मुझे कंप्लीट सर नेम के साथ ना लें, क्योंकि मुझे बचपन में अपार्टमेंट के लोग मानी कहते थे, मेरे स्कूल के लोग तो सलमान साकिब कहते थे, लेकिन मेरे गली के मोहल्ले के लोग मुझे मानी के नाम से जानते। फिर ये हुआ कि मुझे मानी के नाम से सबने जानना शुरू हुआ, और फिर वो एक बन गया कि अब तो न्यूयॉर्क की मैं उधर भी उधर आता तो आवाज़ आती मानी भाई सही नहीं, यहाँ पे तो माशाल्लाह से इतने देसी हैं कि लगता है सबके वीज़े फ्री में एक ज़माने में मिले हैं सबको, और सब यहीं पलट के आ गए, सब इधर ही आ गए बेसिकली। जी अच्छा, मानी के साथ अगर गाड़ी थोड़ी थोड़ी आगे चले तो अब लोग आपको बुलाते हैं हीरा मानी कपल के नाम से, आप लोग ज़्यादा फेमस है और ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस? जनरली जो मैन है वो इनसिक्योर हो जाते हैं, ये जनरल एक परसेप्शन है। नहीं, मैं क्योंकि इस काम में था, मेरे वालिद साहब भी ये काम करते थे, मेरी बहन ने थिएटर की है, तो मुझे ये आइडिया था कि एक लड़की को अगर उसका जो टैलेंट है अगर आप उसको वो ना करने दें तो वो एक बॉम्ब की तरह है, वो फट सकती है, सही है, तो उससे वॉल्केनो है, सही ना, आप उसको वो करने दें जो वो करना चाह रही है अगर वो उसमें अच्छी है तो। अगर हीरा उसमें अच्छी नहीं होती तो शायद मैं उसको मना कर देता,
लेकिन हेरा क्योंकि वो बहुत अच्छी थी उस काम में बेसिकली, हेरा एक्टिंग में पाकिस्तान में शायद नंबर 1, 2, 3 अगर तीन लोग होंगे तो उसमें हेरा मेरे ख्याल में तो नंबर 1 है, लेकिन वैसे अगर जनरली आप बात करेंगे टॉप 3 में ही होगी बेसिकली। हेरा अगर कॉमेडी करती है तो वो एक अलग स्टाइल से करती है। गाना उसने गाया अभी कश्मीर बीट्स का, वो टॉप पे आ गया बेसिकली। एक जनरल परसेप्शन हमारी सोसाइटी का ये भी है, जब हमारी फैमिली में कोई एक औरत सक्सेसफुल होती है या अनबीटेबल बन जाती है तो जनरली लोग बोलते हैं कि यही घर चला रही है। आपने कभी ऐसा सुना, ऐसा कुछ सुना, और आप कैसे टैकल करते हैं? बोलते रहते हैं लोग, देखिए लोग जो होते हैं जब आप दुनिया भर में ट्रैवल करते हैं, मैं तो बहुत ट्रैवल कर रहा होता हूँ, रशिया भी जाता हूँ तो इधर भी जाता हूँ, तो ऑस्ट्रेलिया भी गया, तो अमेरिका तो आता ही रहता हूँ, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया चलती किस तरह से। हम असल में कुएं के मेंढक होते हैं, हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया बहुत और तरक्की है, दुनिया में बेशुमार कामयाब ख़वातीन भी हैं, दुनिया में बेशुमार कामयाब कपल्स भी हैं। तो जो ट्रोलर होते हैं या जो ऐसे लोग बात करते हैं ख़ानदान के लोग भी, वो अपने एक्सपीरियंस को लेके बात कर रहे होते हैं, वो उनको क्योंकि सोच बता रहे, अगर वो, मैं तो कहता हूँ हर बंदे को एक दफ़ा किसी और दुनिया में 6 महीने के लिए रुकना चाहिए, उनके ख्यालात सोच चेंज हो जाएंगी कि दुनिया और तरीके से भी चल सकती है। अच्छा, हमारी डिजिटल एज ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। अब वो जो आम इंसान डिफरेंट एप्स यूज करके रील्स बनाकर अब डिजिटल मीडिया पर इतने हिट और फेमस है कि वो एक्टर्स से ज्यादा फॉलोइंग रखते हैं, हाउ डू यू सी दिस, और क्या आपको भी पसंद है ये सारी एप्लीकेशन? नहीं, मैंने एप्लीकेशन लेटर ऑन स्टार्ट की, इन्होंने कहा ये भी कर लो यार जरूरी है, तो मैंने किया इंस्टाग्राम बनाया, लेकिन टिकटॉक पे मैं नहीं आया अभी तक, लेकिन ये है कि हाँ मैं देखता हूँ लोग एक कोई क्लिप बना के हिट नहीं हो रहे, वो भी हादसाती तौर पे क्लिप हिट हो रही है, इस चीज़ में अच्छी चीज़ ये है कि वो हिट हो जाते हैं और उनके मिलियंस में फॉलोअर हो जाते हैं, बुरी चीज़ ये है कि वो सेकेंड चीज नहीं हिट हो पाती उनसे। ऑलराइट मानी, बताइए रील और रियल लाइफ का जो फर्क है बहुत सारा देखने को मिलता है, बहुत सारे जो मर्द हैं वो टीवी पे बज़ाहिर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मर्द दिखाई देते हैं, बट इन द पर्सनल लाइफ वो बिल्कुल अलग से होते हैं, अलग से कैसे भी उनमें कलर्स या उनमें लाइफ होती है, तो आपका उस पर कॉमेंट क्या है? आप केविन स्पेसी की बात कर रही हैं? केविन स्पेसी जो है बेसिकली मेरे फेवरेट एक्टर थे। नो, द देसी का है। सही, हाँ बात तो वही है, तो नहीं कहने मतलब ये कि हाँ सही है, वो जो आजकल एक नया एलिमेंट आया है बेसिकली वो यही है, वो थोड़ा सा कौन सा मेट्रोसेक्सुअल ये क्या कहते हैं, नहीं उसका कुछ जुमला होता है, दरमियान का रास्ता आजकल हो गया, कपड़े भी आजकल देखे ना कि आप खरीद रहे होते हैं लड़कियों का, लड़के पहने लड़के, हाँ यूनिसेक्स है वो कहते हैं, यूनिसेक्स जो लफ्ज आया ना उसमें जो है ना लोग थोड़े से रिलैक्स हो गए हैं, थोड़े रिलैक्स हो गए, वो जो माचो पहले अनिल कपूर थे उनके इतने बाल निकले होते थे बाहर, सही है ना, जितने बाल क्या नाम है उनके सर पे नहीं थे, उतने उनके जिस्म पे बाल थे, लड़कियां मरती थी वाह यार अनिल कपूर के बाल है, हाथे ही बाल है, अब अगर किसी के बाल होंगे लोगेंगे यख साफ शेप में गया, लोगों की पहले मूछें होती थी, लड़कियों को पोनीटेल वाले लड़के पसंद, अब लड़कियों को पोनीटेल वाले लड़के पसंद है, ये जो फुट्टा कट जो मैंने रखा हुआ है, जो सबने रखा हुआ है, ये भी दुनिया में पिछले कोई 8-6 साल से है, अभी कुछ दिनों पहले मैंने देखा किसी ने बोला कि अब क्लीन शेप दोबारा एन हो रहा है बेसिकली, तो दुनिया जो है वो दोबारा वहीं जा रही है, यहाँ थी बेसिकली, और ये दुनिया चेंज होती रहती है, और कुछ चीज़ें जो एक्सेप्टेबल नहीं थी वो एक्सेप्टेबल हो रही हैं, शुरू में वो औरत माल भी मजाक लगेगा आपको, लेकिन बाद में जाके यही बड़ा रियलिटी, बिल्कुल सब चीज़ें मैंने इन्हीं 10 साल में मैंने अमेरिका को चेंज होते देखा है, इनकी सोच पहले कुछ और थी अब कुछ और है, इस टेक्सस की सोच कुछ और थी अब कुछ और है, कुछ दिनों बाद यहाँ लेके सब घूम रहे होंगे बेसिकली, वर्स्ट टाइम मानी हमारे साथ है, अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक। वेलकम बैक टू द अनअपोलोजेटिक शो, और अब टाइम है हमारे फर्स्ट सेगमेंट ट्रूथ और ड्रिंक का। मानी हमारे फर्स्ट सेगमेंट, ये पानी है ना? हाँ, बिल्कुल पानी है, बट टैप वाटर है, और सिचुएशन ये है कि टैप वाटर तो यहाँ पे नॉर्मल है, नो बड़ा टॉक्सिक होता है ये। अच्छा? हाँ, या तो सच और या फिर ये टैप वाटर। okay. तो चॉइस है आपकी और सिचुएशन है एक। हाँ. तो आप शुरू करें, अगर मैं आपको पहला सवाल करूं और फिर आपने पिक करना है या सच या फिर टैप वाटर। ठीक है जी, तो पहला सवाल आपका ये है, व्हाट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग टॉप प्लेड सॉन्ग ऑन योर फोन? ना मेरा एना, ना मेरा तेना, मेरा मेरा, मैं हिमेश का फैन हूं। ओह माय गॉश, बहुत ही अच्छा आपने गाना गाया और आप बच गए एक क्लास से। ऑलराइट, आपका सेकंड क्वेश्चन है, कोई भी आपके बचपन के ऐसे ड्रामास जो आप अभी भी देख लेते हो?
हाँ वो आंगन टेढ़ा कभी देख लेते हैं, अलिफ नून कभी देख लेते हैं, कभी एनएच वाला जन भी देख लेते हैं, बच्चों को दिखाया था उनको बहुत पसंद आया था। ऑलराइट, तो आपका थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप एक फिक्शनल सुपर हीरो कैरेक्टर होंगे तो आप कौन बनना चाहेंगे और क्या करेंगे वो कैरेक्टर बनकर? खुद बनाऊं या क्या? मैं डेडपूल हूंगा मैं बेसिकली। आप चंद सेकंड में खुद भी इन्वेंट कर सकते हैं कोई सा भी कैरेक्टर। मैं डेडपूल जैसा हूंगा बेसिकली, उतना ही खतरनाक। ऑलराइट, और फिर आप क्या करना चाहेंगे? ठीक है वो तो कैरेक्टर्स की हो गई ना, एसेंशियल चीजें जो जुड़ती हैं, करेंगे क्या? मैं सियासतदानों को वो वैक्सीन लगाऊंगा जो वो हमें लगवा रहे हैं, मैं उनको वो पानी पिलाऊंगा जो हमें टैप वाटर में नमक पिलाऊंगा उनको, मैं हर चीज वो कराऊंगा जो वो हमें कर रहे हैं बेसिकली, उनका इलाज भी यहीं कराऊंगा पाकिस्तान से। अच्छा मानी, अब आपको क्या करना है, आपको हमारे व्यूवर्स के साथ अपना फोन का कोई भी व्हाट्सएप या फिर वॉइस नोट जो आपने अभी किसी को भेजा हो वो सुनाना है। ये देखता हूँ उसमें लास्ट बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग का डिफरेंट। अच्छा नहीं, ये तो ऑडियो यहाँ पे मतलब ग्रुप में मेरी बात हो रही थी, हमारे ग्रुप है जिसमें ताबिश हाशमी भी हैं, जिसमें शफात भी हैं, मुस्तफ़ा चौधरी भी हैं, दानिश नवाज भी हैं, बरकत भी हैं। बड़ा भारी भरकत ग्रुप है बेसिकली। तो वो है उस ग्रुप का नाम सबसेट है। ओह माय गॉड, जैसे सनी लियोनी को हिंदुस्तान के लोग दीदी दीदी कह के बुलाते हैं, इसी तरह से मतीरब। ओह माय गॉड, ये मैंने एक पूछा था क्या है वो तो दिखा दो, सबसे पॉपुलर तो वही है, बाकी दो को तो मैं नहीं जानता। ये किसी चीज को मैं मंगवा रहा था बेसिकली वहाँ से। क्या मंगवा रहे वो? असल में कोई एक कंट्रोवर्सी पाकिस्तान में हो गई है किसी की, तो मैंने कहा क्या है वो तो दिखा दो, सबसे पॉपुलर तो वही है, बाकी दो को तो मैं नहीं जानता। कोई दो तीन लोगों की कोई चीज वायरल हुई है, उसमें से कहा मैंने एक को तो मैं जानता हूँ, बाकी दो को मैं नहीं जानता, बाकी दो। ये एक ग्रुप बना हुआ है जिसमें क्या है वो तो दिखा दो, सबसे पॉपुलर तो वही है। शुरू में क्या बोला मुझे खुद भी याद नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्त गाड़ी में था। Alright, ठीक है, you are good with that. अब आपका लास्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि तीन चीजें जो आप किसी भी लड़की में नोटिस करता है जब आप उसको पहली बार मिलते हैं। उसकी देखा मैं उसकी हाइट, आंखें, ये बहुत सारी चीजें नोट कर लेते हैं, हर चीज ही नोट कर रहे होते हैं बेसिकली। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि आप इतने सारे गोरे और गोरियों को देखते हैं, आप उनको नोट नहीं करते। क्यों पता नहीं है इत्तेफाक है, आप वैसे आपके मुल्क में आ जाए तो आप पीछे उसके घर तक छोड़ के आ जाए उसको, लेकिन अगर आप यहाँ आए बेसिकली तो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके करीब से कौन निकल गया और आपके साथ से कौन निकल गया। ये अच्छी बात है इस माशरे की। ऑलराइट मानी, यू वर सो गुड, आपने पूरी कोशिश की कि आपने कोशिश नहीं बल्कि आपने कर दिखाया, आपने बिल्कुल सच बोला है। और इसी के साथ हम जंप करेंगे अपने सेकंड सेगमेंट वुड यू रादर की जानिब। वेलकम बैक टू द अनअपोलोजेटिक शो। तो मानी, इस सेगमेंट में मैं आपको दो सिचुएशंस आपके सामने रखूंगी एंड यू हैव टू पिक वन सिचुएशन। ऑलराइट, आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, सो वुड यू रादर नेवर ईट वाटरमेलन एवर अगेन और बी फोर्स्ड टू ईट वाटरमेलन विद एवरी मील? वुड यू रादर गेट अ पेपर कट एवरी टाइम यू टर्न अ पेज और बाइट योर टंग एवरी टाइम यू ईट? पहले वाला सही है। Of course, ज़बान कौन काटना चाहेगा? Alright, would you rather oversleep every day for a week or not get any sleep at all for 4 days? मैं वैसे ऐसा बंदा हूँ कि मैं बहुत कम सोता हूँ, तो मैं हर थोड़ी देर में उठ जाता हूँ कि अब क्या करना है। और फिर इतने एनर्जेटिक कैसे रह सकते? वो पता नहीं मेरे अंदर खुद ही है, ऑटोमेटिकली मैं हूँ, तो मैं बहुत बेचैन रहूँ तो मुझे नींद कम आती है। चार घंटे का पावर नैप लेता हूँ। तो एक और राज हमें पता चल गया, कम सो के भी कामयाब कोई हो सकता है, तो ये हाँ, मैं मैं सोता नहीं। वुड यू रादर डाई इन 20 इयर्स विद नो रिग्रेट्स और लिव टू 100 विद अ लॉट ऑफ रिग्रेट्स? 20 साल में मर जाए मतलब ज्यादा बेहतर सुकून से। दुनिया वैसे ही इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हम रह के क्या कर लेंगे? ओके, वुड यू रादर हैव अ चाइल्ड एवरी ईयर फॉर 20 इयर्स और नेवर हैव एनी चिल्ड्रन एट ऑल? अब जो दो हो गए हैं हां, उनका क्या करें? उनका क्या करेंगे बेसिकली? तो नहीं, दो तो हो गए हैं बेसिकली। हाँ जी, उसके बाद हाँ कर सकते हैं हर साल बेसिकली। लेकिन हमारे मुल्क में खानदानी मुंसूबाबंदी चल रही है, तो उसको भी हमने देखना है बेसिकली। ओके, वुड यू रादर हंट एंड बुचर योर ओन मीट और नेवर ईट मीट अगेन? हाँ नहीं, पहले वाला सही है। अच्छा, वुड यू रादर लूज ऑल योर फ्रेंड्स बट कीप योर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर और लूज योर बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर बट कीप द रेस्ट ऑफ योर बॉडी? पहले वाला सही है। आप क्या नाम है, एक बेस्ट फ्रेंड तो होने, वैसे मेरे दो चार दोस्ती हैं जो उन्हीं के साथ मेरी जिंदगी में बार बार बातचीत होती है, उसमें मुझी है, उसमें टीपू है, उसमें फैसल है, असफर है, हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, एक अमीन है, मुस्तफा चौधरी है, ये 5-6-8 दोस्त हैं जो कि मेरे कम कम हैं।
Okay. Would you rather have people spread a terrible lie about you or have people spread terrible but true tales about you? मुनाफिकीन को जोड़ लेंगे या फिर अच्छे लोगों को? अच्छे लोगों को जोड़ूंगा, बेशक जो मर्जी कहते हैं। वैसे ही लोग हमारे बारे में कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम नीचे जाके नहीं देखते कि कमेंट्स क्या आ रहे हैं क्या नहीं आ रहे। अब वो वाला टाइम चला गया। Okay, would you rather have unlimited battery life on all your devices or have free Wi-Fi wherever you go? Free Wi-Fi. Okay, you were so good in all answers and so instant. इसके साथ ही हम जाएंगे अपने थर्ड और लास्ट सेगमेंट अनअपोलॉजेटिक ट्विटर की। वेलकम टू आवर थर्ड और लास्ट सेगमेंट अनअपोलॉजेटिक ट्विटर आरटी। तो मानी इस सेगमेंट में मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाऊंगी और आपको वो ट्वीट्स पढ़नी है और उस पर आपको अपना एक्सप्रेशन देना है, या वर्बली या फिर अपने एक्सप्रेशंस के जरिए। ओके, सो मानी ये है आपका पहला ट्वीट। ओके, क्या है? अली जफर है। हेट स्पीच डायरेक्टली कॉन्ट्रडिक्ट्स द वैल्यू अंडरलाइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन आवर चार्टर ऑफ राइट्स। ये अली जफर का अपना कोई मसला चल रहा है बहुत पुराना, उसी के बारे में ये है बेसिकली ये ट्वीट है। लेकिन अब तो उससे निकल गए हैं बेसिकली, अब तो उनको उनके हक में भी आ गया। So, आप कमेंट कर सकते हैं हेट स्पीच, ऑफ कोर्स यू आर अ स्टार आल्सो। ऑफ कोर्स, हाँ, लोग कह रहे होते हैं, लेकिन मैं अली को शायद ये मशवरा दूंगा। मुझे भी अली ये मशवरा दे चुके हैं और मैं उनको भी दूंगा कि ये हेट स्पीच मैं हमें फ्रीडम स्पीच फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का तो हर एक को बेसिकली वो है, लेकिन उसके अंदर हेट स्पीच का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम ये ऐसे उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए कि किसी की दिलादारी हो या फिर कोई बड़ा फड्डा फसाद जमा हो जाए। मैंने इनसे पूछा था न्यूयॉर्क में, उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी ने कहा था वो शो करने के लिए आया मैं। ओके, तो मानी ये है आपका सेकंड ट्वीट। हुसैन हक्कानी, ये अब यहीं बैठे हुए जाएंगे वापस। वंडरिंग व्हाट द पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान ब्रिगेड विल से अबाउट द नेगेटिव पब्लिसिटी वर्ल्ड वाइड रिजल्टिंग फ्रॉम I am the Dems comment about rape being caused by the way woman dress. अच्छा, इमरान खान के इस पे इन्होंने कुछ basically comment किया है। हाँ, सही है। आपका क्या comment है इस पर? ये सारा एक पूरा बवाल सा बना हुआ है और digital को hijack किया हुआ है इस। Actually इमरान खान का जो कहना है वो अब जिस इमरान खान की कहना चलती है जिस माशरे में वो रहते हैं वहाँ पे कुछ उसके कुछ अपने norms हैं basically। वो उसको एड्रेस करते हैं इमरान खान। मेरे ख्याल में इसलिए उन पर क्रिटिसाइज इसलिए इतना ज़्यादा हो रहा है क्योंकि उनका अपना पास्ट जो था वो भरा हुआ है। लोगों ने जब इमरान खान ने ये बात की तो लोगों ने वो पिक्चर्स सारी की सारी फ्लोट करना शुरू कर दी जो उनसे रिलेटेड थी। ओके, परफेक्ट। ओके, तो ये आपका थर्ड और लास्ट ट्वीट। जदाई साहब, जिनका पंजाब में कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं, वो फरमाते हैं कि पंजाब में आइंदा हुकूमत वो बनाएंगे। बिल्ली के ख्वाब में शीशले, ज़दाई साहब का ये बयान एक लतीफ़े से कम नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं, जो भी हिना परवेज भट्ट हैं इनको PMLN की MP हैं। बिल्कुल, नून लीग अगर आप वैसे जाएं तो नून लीग मेरे ख्याल में पता नहीं पिछला इलेक्शन कैसे हार गया, लेकिन ये है कि नून लीग की पॉपुलैरिटी है। अभी 11 में से 10 जो इलेक्शन हुए हैं बाय इलेक्शन सारे के सारे नून लीग तकरीबन जीती है, एक आध कोई और जीती है पार्टी, तो वो बात तो सही। ज़दारी साहब का तो कोई चांस नहीं है, मुकाबला यहाँ पे नून और पीटीआई गई है। ठीक है, ऑलराइट, विद दिस थैंक यू सो मच मानी फॉर योर टाइम। हमें बहुत मजा आया, आई होप आपने भी इतना ही एंजॉय किया होगा और हमारे व्यूवर्स ने भी। और आज के शो की जो सबसे बड़ी और खूबसूरत जो बात, जो मानी का एक मैसेज है कि कंसिस्टेंसी लीड्स यू टू सक्सेस, विद दिस मैसेज अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा एंड स्टे ट्यून्ड टू प्ले टीवी।